भगवती आराधना के महापर्व नवरात्रे एवं दशहरा भगवान प्रभु श्री राम की विजय के लंका विजय के महापर्व दशहरा के उपलक्ष्य में मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आप सभी से इंडिया लाइव के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि जैसा कि ये कोरोना वर्ष संक्रमण के चलते हुए निरंतर मरीज बढ़ रहे हैं और कुछ सुधार भी हो रहा है, लेकिन हमको सावधानी पूर्वक अपने घरों में ही रहकर जैसा कि हम साल भर में अपने सभी त्यौहार मनाते आए हैं, इसी तरह हमको ये नवरात्रे और दशहरा का त्यौहार भी घर ही बैठकर मनाना है। होने को तो रावण दहन भी हो रहा है, रामलीला भी हो रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण का कोई भरोसा नहीं है कि कौन व्यक्ति संक्रमित है। इसलिए खबर इंडिया लाइव पर जो लाइव टेलीकास्ट करके आपको घर बैठे ये सुविधा प्रदान की जा रही है, इसको आपको बैठकर इसका लाभ उठाना है। मैं आपसे एक और मार्मिक अपील करना चाहता हूँ कि जैसी हमारी धार्मिक श्रद्धा है, आस्था है, और हमने सारे त्यौहार इस कोरोना वायरस के चलते बड़े ही रूठे मन से, उदास मन से मनाए हैं, इस मन त्यौहार को भी थोड़े संकुचित इस तरीके से मना लें, घर में ही उमंग और उत्साह से मना लें, घर के बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरी हो निकलना ही तो चेहरे पर मास्क हो, हाथ में सैनिटाइज किया हो ना है, और खबर इंडिया लाइव के माध्यम से हमको घर बैठे अपने मोबाइलों पर, अपने टीवी पर हमको ये देखना है, और वहीं पर हमको भगवान प्रभु श्री राम के लंका विजय का दशहरा पर्व मनाना है, भगवती की आराधना करना है, रामलीला में जय जय श्री राम करना है। धन्यवाद। जय भारत। मेरे प्यारे ग्यारसपुर के क्षेत्रवासियों, प्रतिवर्ष अनुसार दशहरे का कार्यक्रम होता था, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन और जो मध्य प्रदेश शासन ने हमारे अधिकारियों को जो आदेश दिया है, हम सभी लोगों को आदेश दिया है, उसमें हम लोग एक छोटे रूप में दशहरे को बस स्टैंड ग्यारसपुर मना रहे हैं, जो कि प्रतिवर्ष तहसील में बड़े रूप में मनाते थे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कोरोना की महामारी में इंडिया खबर लाइव के माध्यम से घर पर बैठ कर ये दशहरे को आप देखें। इंडिया खबर लाइव लाइव आपको ये दशहरा दिखाएगा, पूरे ग्यारसपुर वासियों को, समस्त क्षेत्र वासियों को नव दुर्गा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इस बार हर वर्ष के अनुसार इस बार भी दशहरा बहुत भव्य रूप में मनाने का प्रोग्राम हिंदू उत्सव समिति ग्यारसपुर ने किया था, लेकिन कोरोना के मद्देनज़र देखते हुए और सरकार की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए इस बार प्रतीकात्मक रूप से दशहरा मनाया जा रहा है, और इसमें राम लक्ष्मण दरबार और रावण दरबार
दोनों रहेंगे, लेकिन छोटे रूप में कार्यक्रम को मनाया जाएगा। रावण की हाइट भी कम कर दी गई है इस बार, 25 फीट से 11 फीट का रावण कर दिया गया है, और रावण को यहाँ प्रतीकात्मक रूप से उसका दहन भी किया जाएगा। लेकिन श्रद्धालुओं से हमारा अनुरोध है, श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस बार इंडिया खबर लाइव के माध्यम से अपने घर पर बैठकर और दशहरा का आनंद लें, और कोरोना जैसी महामारी का चलते हुए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, और शासन की गाइडलाइन पर ध्यान रखते हुए अपना धर्म लाभ लें, और किसी भी प्रकार की मुसीबत या कोरोना जैसी किसी भी महामारी से संक्रमण होने से बचें। मैं ग्यारसपुर से सीताराम कुशवाहा समाज सेवी कार्यकर्ता। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ग्यारसपुर में प्रतिवर्ष तहसील ग्राउंड में रामलीला और दशहरा कार्यक्रम काफ़ी भव्य रूप में किया जाता था, परंतु इस बार सभी जानते हैं कोरोना वायरस के चलते जिस प्रकार की प्रशासन की गाइडलाइन और शासन की गाइडलाइन आई है कि इसको छोटे रूप में मनाया जा रहा है, तो ग्यारसपुर में इस बार बस स्टैंड ग्यारसपुर में छोटे रूप में प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाएगा, और इंडिया खबर लाइव के माध्यम से आप घर बैठे इस कार्यक्रम का प्रसारण देख सकते हैं फेसबुक पर। तो मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और ग्राम के सभी समाजसेवी संगठन और कार्यकर्ताओं से और हमारे जो भी गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि, उनके माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी कार्यक्रम किया जा रहा है काफ़ी छोटे रूप में किया जा रहा है, कोरोना वायरस को देखते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति ये देखा जा रहा है कि ज़्यादा भीड़भाड़ इकट्ठी न की जाए, और इसलिए मैं अपील करता हूँ इंडिया खबर लाइव के माध्यम से कि इस कार्यक्रम का घर बैठे सीधा प्रसारण देखें फेसबुक पर।